है, हम अपनी इम्पल्सिस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो उस गुस्से को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से हम बाहर नहीं आ पाते। ये सब फैक्ट्स हैं। डिप्रेशन में एक बार जा रहे हैं तो नीचे गिरते ही चले जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। वी डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। लाइफ सब कुछ सही चल रही थी, फिर एकदम से झटका लगा, लाइफ ने एक झटका दिया, हम नीचे गिर गए। अब ये नहीं पता वहां से बाहर कैसे। कोई भी सेटबैक हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट ये होना चाहिए कि हम घर में रहते हुए, सबके साथ में रहते हुए, कैसे अंदर से 24 घंटे खुशी से झूमते हुए रह सकते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग कि सब कुछ ठीक चल रहा है इस वजह से मैं खुश हूं। तो आप डंब हो। बच्चे को एक खिलौना चाहिए था, वो खिलौना उसको मिल गया तो कुछ देर के लिए वो खुश है, उसको वो खुशी बोल रहा है, उससे खिलौना छीन लो, रोने लग जाएगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा, पागल हो जाएगा, लेट जाएगा फर्श। सारे उल्टे सीधे लोग ऐसे ही तो करते हैं। हमको जो मिल गया थोड़ी देर के लिए हम उससे खुश फील करने लग जाते हैं। इल्यूजन्स हैं सारी, ये जेन्युइन खुशी नहीं है। जैसे एक लड़का शादी से पहले रो रहा होता है कि मेरी अगर इस लड़की से शादी नहीं कराई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, बाद में उस लड़की की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? मतलब कोई बता सकता है ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है 24 घंटे में से जिस वक्त आप बिल्कुल विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट आप बोल सकते हो कि वो एक्सपीरियंस कमाल का है और सबके लिए एक जैसा है? पहले बारीकी से समझो खुशी है क्या। जब भी आप खुश होते हो इसको समझोगे आप कब खुश होते हो, क्यों खुश होते हो, और जब दुखी होते हो कब होते हो और क्यों होते हो। अगर हमको इतना सा समझ आ जाए तो हम उस अंडरस्टैंडिंग को 24 घंटे पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ आई तो सही, समझ ही ना आए तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस मोमेंट में क्या होता है, अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से अपने हथियार डाल देता है, थॉट्स जीरो हो जाते हैं। होता है नहीं होता है? उस मोमेंट में आपको ये भी ख्याल नहीं होता है, अभी आप सोचोगे तो ये ख्याल आएगा, बट उस मोमेंट में ये ख्याल नहीं होता है कि ये मेरी बेटी है, ये मुझे हक कर रही है। अगर वो ख्याल होगा तो वो खुशी नहीं हो सकती। समझ गए? अगर आप सोच करके हक करो, आज जाकर के करके देखना अपने बच्चों को हक, कि मैं हक कर रही हूं और मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, रत्ती भर भी खुशी नहीं होगी। उस मोमेंट में आप खुशी के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, इसीलिए आप खुश होते हो। कोई बंदा है जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो तो आप उसको डिसलाइक करते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए ना? कोई बंदा है वो हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है, आपको तंग करता है, आप उसको पसंद नहीं करते, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको हेट करते हो, ये प्रॉब्लम है। आप चाहते हो कि मेरी प्रमोशन हो जाए, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप तड़प रहे हो उस प्रमोशन के लिए, ये प्रॉब्लम है। और उस प्रमोशन के लिए आप कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, ये प्रॉब्लम। वो भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जो उस प्रमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि आपकी हेल्थ, जिसको वर्कहोलिक बोलते हैं। तो पागलों की तरह प्रमोशन के पीछे भाग रहे हैं, उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम लाइक हो गया। तो एक्सट्रीम में लाइक, एक्सट्रीम में डिसलाइक क्रिएट्स ऑल द सफरिंग इन द वर्ल्ड। लड़ाई कब होती है हमारे अंदर? आपके अंदर क्रेविंग होती है कुछ खाने की, फॉर एग्जाम्पल, या कुछ करने की। अब हम पागलों की तरह उसकी तरफ भागने लग जाते हैं, या उस काम को कर देते हैं, या फिर अंदर ही अंदर अपने माइंड में बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। दोनों तरफ ट्रैप है। बहुत बारीक बात है अगर ये पकड़ में आए तो, बिकॉज मैं जिस बेसिस पे बात करता हूँ ना, इसे पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, अपने माइंड को ऑब्जर्व करता रहता हूँ 24 घंटे, और उसमें जो चलता रहता है उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन क्या है। आप ये दो ही काम करते हो, इसके अलावा कोई तीसरा काम तो नहीं करते? मीठा खाने का मन कर रहा है, या अंदर से पकौड़े खाने का मन कर रहा है, या तो जा करके खा लोगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, यानी गलत काम आपने कर दिया, या फिर कहोगे नहीं मुझे नहीं खाने हैं, नहीं खाने हैं, नहीं खाने हैं, नहीं खाने हैं। ये दो करते हो, इसके अलावा कोई तीसरा काम करते हो? ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, वही मतलब कि नहीं खाना है और आप ध्यान कहीं और लगाओ। लेकिन जितना आप ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो उतना ही अर्ज बढ़ती है पकौड़े खाने की, होता है। जितना आप कहोगे नहीं करना है तो वो आपके उस लाइक को और स्ट्रांग कर रहा है। आप कहोगे कि मुझे ये वाली मेमोरी अच्छी नहीं लगती, हाँ सर, उस मेमोरी से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो। ऐसे ही कुछ मेमोरीज आएंगी पुरानी, फिर अंदर वही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। अच्छी होगी तो आपको याद आने लग जाएगी, वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे, कितना मजा आता था यार, वो कॉलेज डेज भी क्या डे थे। मतलब पास्ट में जा रहे हो और वहां जाकर के अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हो। वो पास्ट जो कभी वापस आ नहीं सकता, जो अल्टीमेटली दुखी है। हर मेमोरी जो आपको सुख देती है वो एक्चुअल में दुख है। ये बात हमको समझ आ रही है?
कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्योंकि वो आपको दुखी ही करेगी, क्योंकि आप वहां जा तो सकते नहीं हो। देयर इज नो वे, देयर इज नो टाइम मशीन जिसमें बैठ करके आप पास में जा पाओ, तो वो आपको दुखी करता रहेगा। फ्यूचर के बारे में जो आप सोचते रहोगे वो आपको दुखी करता रहेगा, क्योंकि वहां जा तो सकते नहीं हो, बस सोच रहे हो बैठ करके। तो आदत क्या बनानी है कि पास्ट में जाना है इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, प्रेजेंट में यूज करना है, जिससे कि हमारा जो सर्वाइवल है वो इंश्योर्ड हो सके, कंफर्टेबल हो सके। बस यहां पर ला करके फुल स्टॉप लगा दो। फ्यूचर में जाना है, क्यों जाना है? क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं, अब इसका फ्यूचर कैसा होगा सोचना ही पड़ेगा ना। गोल सेटिंग करोगे तो सोचना पड़ेगा ना कि इसको करने से क्या होगा, ये होगा वो होगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसमें कितना पैसा चाहिएगा, ये वो व्हाटएवर। तो आप क्या कर रहे हो, पास्ट में भी जा रहे हो, फ्यूचर में भी जा रहे हो, लेकिन जा रहे हो सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां से निकालने के लिए और प्रेजेंट में उसको यूज करने के लिए। इसमें मुश्किल क्या है? जो लोग स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते हैं वो बेवकूफी करते हैं, वो पास्ट से और फ्यूचर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। मेमोरी, वो जो खराब मेमोरी आ रही है बार बार माइंड में, जो याद आ रही है वो नहीं आनी चाहिए, दैट इज अ ट्रैप, वो फंसा देगा आपको, क्योंकि वो उस मेमोरी को और स्ट्रांग कर देगा। मेमोरीज क्या होती है? भूत के जैसी होती है। जितना आप कहोगे ना मुझे ये भूत नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में भूत कहां है? हमारे माइंड में है। एक्चुअल में मेमोरीज कहां है? माइंड में है, एक्चुअल में तो नहीं है, नहीं तो दिखाओ मुझे कहां है मेमोरीज। माइंड में है मतलब कि वो भूत के जैसी है। तो जितना आप ये कहोगे कि मुझे ये नहीं दिखना चाहिए भूत, उतना ही भूत स्ट्रांग होता चला जाएगा, भूत की एग्जिस्टेंस पक्की होती चली जाएगी। इसको ध्यान से समझना, भूत अंदर से जो कह रहा है, भूत मतलब भूत, भूत भूतकाल बोलते हैं ना, मेमोरीज क्या है, पास्ट क्या है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूत ही बोलते हैं ना। अंदर से आपके भूत जो भी कुछ कह रहा है आपको करने के लिए, वो आपने किया तब भी वो भूत पक्का हो जाएगा, नहीं किया तब भी वो भूत पक्का हो जाएगा। तो क्या करो, सिर्फ बैठे बैठे ये जान लो कि ये भूत है। भूत मतलब वो जो है ही नहीं, जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको भूत बोलते हैं। क्या जो आपकी पास्ट की मेमोरीज हैं वो इस मोमेंट में आपका कुछ भी बिगाड़ सकती है? ये कोई फैक्ट है या इल्यूजन है? कैसी भी मेमोरी आ जाए, कैसी भी, कितनी भी बुरी, कितनी भी अच्छी, क्या वो एक्चुअल में आपका खून कर सकती है? नहीं कर सकती जी, उनको आने दो, लेट इट कम, लेट दैट मेमोरी कम। बुरी मेमोरीज आ रही है ना, जैसी मेमोरी आती है हम घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, वो नहीं करना है। लिव विद दैट मेमोरी, जो भी कुछ हो रहा है होने दो, आप समझ गए, बट डोंट रन अवे फ्रॉम इट, फेस इट। द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट मेमोरी विदाउट एन अर्ज टू चेंज इट, इट लूजेस इट्स पावर। इफ यू वॉन्ट टू फुलफिल इट, कोई मेमोरी आई अंदर से, कोई इंपल्सिस आई, उसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हो तब भी फंसोगे, नहीं करोगे तब भी फंसोगे। उसको बोलो, देखता हूं मैं इंपल्स क्या है, देखता हूं ये इमोशन क्या है, आने दो ना, देखता हूं मैं मरता हूं या नहीं मरता। बुरे सपनों से हम डरते हैं, इसीलिए तो हमको डराते हैं। सपने में हमने देख लिया कि वो हमारे व्हाटएवर वो रिलेटिव है वो मर गए, फॉर एग्जांपल, ऐसे उल्टे सीधे सपने आए और सुबह हम डरे हुए हैं, उससे क्या होगा, वो सपना और स्ट्रांग होता चला जाएगा, वो डर और बढ़ता चला जाएगा। तो उस डर को खत्म करने का क्या तरीका है? वापस उस सपने को प्ले करो अपने माइंड के अंदर, क्या आया था सपना, देखो कैसे मरे थे, जाकर उस आदमी से मिलो, देखो मरे नहीं मरे। तो आपके सपने में तो मरे, एक्चुअल में नहीं मरे, तो डरने की क्या जरूरत है? कितने उल्टे सीधे आज तक आपको सपने आए, कुछ हुआ क्या? तो इस भूत की पकड़ आपके ऊपर से निकल जाएगी, जहां ये पकड़ गई अपनी हो गई। अब आप बिल्कुल पीसफुल हो, अब बिल्कुल एक पीसफुल लेक के जैसे। अब कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो उसके होने से या ना होने से लेक को कोई फर्क नहीं पड़ता है,